नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे अखरोट की बर्फी। अखरोट हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, तो एक उसको हम इस रूप में भी खा सकते हैं और ये कई दिनों तक ख़राब भी नहीं होती है और बहुत टेस्टी होती है। तो आइए बनाते हैं वॉलनट बर्फी। तो इसके लिए देखिए, मैंने 250 ग्राम अखरोट लिए हुए हैं, जिन्हें मैंने दूध में लगभग एक घंटे के लिए भिगो दिया है। तो इस दूध को भी हमें अब काम लेना है। 300 ग्राम मैंने चीनी ली है, 250 ग्राम मावा है, थोड़ा सा हम घी लेंगे और चॉकलेट सॉस लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, अखरोट है, इनको मिक्सी में हमें पीसना है, लेकिन बिल्कुल नहीं पीसना है, दरदरा मोटा पीसना है। तो दूध को छोड़ना है इसमें और अखरोट केवल निकाल कर और बहुत हल्का सा इसे मिक्सी में चला लेना है, ताकि इसका दाना बना रहे, पेस्ट ना बने। ये देखिए, इस तरह से पीसना है हमें, दानेदार रखना है और इसी तरह से हम सारे अखरोट को पीस लेंगे और उस दूध को हम रख लेंगे बचे हुए को। अब एक कढ़ाई में हम घी डालेंगे थोड़ा सा और अब सारा अखरोट इसमें डालकर हम लगभग 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे हम कुक कर लेंगे, ताकि थोड़ा अखरोट का कच्चापन निकल जाए और वो रोस्ट हो जाए। थोड़ा सा उसके भुनने की खुशबू भी आने लग जाएगी। देखिए, हो गया है लगभग 10 मिनट में ये। अब इसमें हम जिस दूध में हमने अखरोट भिगोए थे, वही दूध इसमें डाल देंगे। उसको हम फिर से सुखाने तक इसे फिर से भून लेंगे, दूध सूख जाए और अखरोट अच्छे से उस दूध में कुक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम हमारा खोया डाल देंगे। खोए को भी हम लगभग सिर्फ 5 मिनट तक भूनेंगे। जब खोया थोड़ा सा भुन जाएगा, खुशबू आने लगेगी, फिर इसमें हम चीनी डाल देंगे। हमें थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है और गैस भी मीडियम ही रखनी है। अब चीनी डालने के बाद थोड़ा इसे टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा चीनी से ये पानी छोड़ देगी, तो इसे ड्राई होने तक हमें भूनना है। उससे बहुत अच्छे से भुन भी जाएगा और जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा। और अब चाहें तो आप यहाँ चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, पर इससे कलर अच्छा आता है, फ्लेवर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अखरोट का वैसे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसमें। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा चलाते हुए जमने वाली कंसिस्टेंसी पर ले आना है। लगभग 10 मिनट इसमें हमें लगेंगे। देखिए, अब बहुत अच्छे से कुक हो गई है और जमने लायक भी तैयार हो गई है। तो अब हम एक थाली को घी से ग्रीस कर लेंगे और अब देखिए, बर्फी को हम इसमें डालकर जमा लेंगे, सेट कर लेंगे। शेप आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और चाहे तो आप इसे वैसे भी खा सकते हैं, थोड़ा ड्राई होने से पहले के स्टेज पर आप इसे हलवे की तरह भी खा सकते हैं, पर बर्फी जमा के रख देंगे तो खाने में इजी होगा। और स्टोर करके आप इसे रखिए फ्रिज में, ये कई दिन तक ख़राब नहीं होती है। और कितनी थिकनेस रखनी है, कितनी, ये आपकी अपनी इच्छा है। अब इसे हम देखिए एक पलटे की हेल्प से अच्छे से सेट कर देंगे और इसके ऊपर हम सिर्फ ऊपर से तरबूज के जो बीज होते हैं, वाटरमेलन सीड, थोड़ा सा उसी से गार्निश करेंगे बस। और अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे। बाहर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो भी 1-2 घंटे में हो जाएगी और फ्रिज में तो 15 मिनट में ही जम जाएगी। तो चलिए, अब ये सेट करने को रखते हैं। और अब ये सेट हो चुकी है। अब इसमें हम अपनी इच्छा की शेप से काट लेंगे कैसे भी। नॉर्मली ये स्क्वायर शेप में ही होती है। बहुत ही टेस्टी अखरोट की बर्फी बनी है ये। बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है और कई दिन ही चलेगी, जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो दिवाली पर बनाइए इसे और अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए। ये देखिए, इस तरह से कट करके हम इसके स्क्वायर पीस निकाल लेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से टेस्टी एंड हेल्दी खाना खाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।